तो गाइस यहाँ पे देखिए पुलिस स्टेशन का है ये। पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों को बता रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कौन सा सिग्नल पड़ा तो क्या करना है, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ना सर। यहाँ के कानून के हिंदुस्तान के अपने हैदराबाद के कानून बता रहे हैं कि ताकि एक्सीडेंट ना हो। हमारे तेलंगाना पुलिस की सलूट है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं बच्चों को। गाइस ये देखिए हमारी ट्रैफिक पुलिस तेलंगाना पुलिस को सलूट है जो रूल्स रेगुलेशन के लिए पब्लिक के लिए यहाँ एग्जीबिशन में हर साल स्टॉल डालते हैं, बचपन से देख लेते आ रहे हैं। अगर सर से थोड़ा पॉसिबल हुआ तो बात करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को भी मैसेज दे के ट्रैफिक कैसा फॉलो करना, रूल्स कैसे फॉलो करना हो। बच्चों को खेलने के लिए बच्चों को सब कुछ आपको देखो आप थोड़ा बात ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बच्चों के लिए बच्चों से स्टार्ट करना है। तो बचपन में जो बच्चों को एजुकेट करते हैं वो लोग बड़े होने के बाद फॉलो करते हैं। ये तो हमारा सुपर ऑफिसर के अंडर में हम लोग एवरी ईयर से स्टार डालते ट्रैफिक, इसमें साइकिलिंग सिखाते, वीडियो गेम्स सिखाते, अवेयरनेस प्रोग्राम कराते और साइनेजेस लोग सिखाते, मार्गदर्शन कैसा होता बताते, रंग क्या है लाइट क्या है बनना है कैसा चलना रोड पे, हर चीज उनके इस्तेमाल में बतलाते हैं, प्रैक्टिकल में बताते हैं। छोटे बच्चों क्या हमारा रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट के बारे में समझा के उनको सिखाते, सिखाने से कल के दिन वो लोग फ्यूचर में आगे बढ़ के गलती नहीं करते। चलो जो भी है माइनर्स बैच है उसमें बहुत सस्ते का काम है, माइनर्स बैच जो भी 18 साल से विदाउट लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं उन्हें केवल 3 केसेस आ गए गवर्नमेंट, पेरेंट्स के ऊपर केस डाल रहे, जो गाड़ी का ओनर के ऊपर केस डाल रहे और बच्चे का जो ड्राइव कर रहा है उनके ऊपर केस डाल रहे। माइनर में टीटे को गोशा मेल के काउंसलिंग के रास्ते बुलाते, कंपल्सरी पेरेंट्स अटेंड होना है, उनको एजुकेट करते, वहाँ पे काउंसलिंग करते, कोर्ट में चार्जशीट डाल के कोर्ट को जाते। कभी मजिस्ट्रेट लास्ट ईयर में पेरेंट्स को 2 महीने 1 वीक जेल की भेजा दी। बच्चों को जरा डर खौफ पैदा हो रहा है, माइनर केसेस ज्यादा बुक कर रहे, वो लोग यूथ है ना विदाउट लाइसेंस से स्टंट करते रहते, रोड पे हाथा चला के चलाते रहते, गाड़िया रॉन्ग रूट आते रहते, हर टीनेज बच्चे हैं उनको नहीं मानो के लिए, इसलिए तो हमारे पास आकर पीटीआई में गोशा मेल में हम काउंसलिंग करते हैं उनको और एजुकेट करते हैं। स्कूल बच्चों को ऐसे एजुकेट कर रहे, ऑटो ड्राइवर्स को, आरटीसी ड्राइवर्स को, कॉर्पोरेट ऑफिसों को जाके एजुकेट कर रहे। स्पीड लेजर गन ऑटोमेटिक केसेस लेते रहते हैं, जो स्पीड लिमिट से रोड पे लिखा रहा था, आउटर रिंग रोड है या फिर नरसिंह हाईवे पे है, टैंक बंद है, जहाँ भी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक 40 किलोमीटर स्पीड है, जो भी है 80 किलोमीटर स्पीड, जो भी रोड पे स्पीड रहता है उसके लिए ऑटोमेटिक केस बुक हो जाता लेजर गन से। डिजिटल कैमरा है, कैमरा से ऑटोमेटिक विदाउट कोई भी नहीं रहते, वहाँ पे फोटोज ले लेके जनरेट कर देते और उसके बारे में केस बुक हो जाता। ये साउंड लेवल है, जितना साउंड रखना है उतना ही रखना है, जो साइलेंसर से बड़ा साउंड लगा देते उससे पकड़ के गाड़ियां सीज कर रहे थे। अब ये टैब में आ जाता है, इसमें प्रिंट आ जाता है, ड्रंकन ड्राइव में जो भी है प्रिंट ले लेते हैं, टैब है। ये नो पार्किंग में व्हील क्लैंप है, ये व्हील क्लैंप से क्या है रोड पे पार्किंग करके चले जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के वास्ते चालान बुक करके वो लाख डाल देते हैं, उसको ओनर आके चालान कर लेते हैं, गाड़ी आने जाते हैं उसको लाख जाते लेके नहीं जा सकते, उसके ऊपर ऑलरेडी वो व्हील क्लैंप डाल के केस बुक कर देते। ये पूरा है
अप्लाई करते हैं हर रूल्स, लेकिन आप देखो हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के तरफ से 2016 में हैदराबाद में 49 लाख से व्हीकल से रोड पे फिर रहे थे, तो उसमें डेथ परसेंटेज 405 हुआ। 216 में हैदराबाद में ट्रैफिक व्हीकल से 49 लाख से, तो अब 23 में दिसंबर 23 में 80 लाख गाड़ियां चल रहे, उसमें कितने लोग मर गए, 313 आदमी मर गए, तो यहाँ व्हीकल से डबल हो गए, एज डेट से कम हो गए मरने वाले का प्रसिद्ध कर। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का एम है ये है कि एक आदमी भी आज दिन में नहीं मौत होना, इसलिए किस लिए कर रहे हैं प्रोग्राम्स करने से, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने से, आपके लोग से पब्लिक के कोऑपरेट से ये केसेस में कम होने लगे, कानून थोड़ा सख्त हो गया इसलिए तो केसेस भी कम हो गए, प्रोग्राम कर रहे स्कूल जाके स्कूल के बच्चों को बोल रहे, ऑटो ड्राइवर बोल रहे, आरटीसी ड्राइवर बोल रहे, कॉर्पोरेट ऑफिस को जाके एजुकेट कर रहे, इसलिए तो हम 22 दिसंबर तक 80 लाख व्हीकल्स भी रहे तो 313 आदमी एज डेन में डेथ हो गए पूरे केसेस में। थैंक यू सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आप, गाइस आप लोग भी देख रहे होंगे ये देख कर सीखिए। गाइस देखिए एग्जीबिशन में ये पुलिस जो स्टॉल लगाए हैं रूल्स रेगुलेशन के लिए ट्रैफिक के, और यहाँ पे एक एक फुट ऐसे लगा दिए है दिल दहलाने वाले अटमा। तो सर बता रहे थे यहाँ पे क्या क्या है हैदराबाद में, क्या क्या है, कितने साल में कितने एक्सीडेंट हुए और कितनी मौत हुई है, कानून जरा सख्त करने से आप लोग समझते कि पुलिस वाले पकड़ ले रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ ले रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ते नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए आपकी जान के लिए जरा बारिश पानी धूप छाव नाइट डे ईद बरात कुछ नहीं रहता, रमजान जाता बोनाल आता बोनाल जाता दशहरा आता दशहरा जाता दिवाली आता, यानी कि पुलिस की ड्यूटी खत्म नहीं होती, ऐसे तेलंगाना पुलिस इंडियन पुलिस के लिए सल्यूट है हैदराबाद रफीक की तरफ से। थैंक यू सो मच।